कोरोना का कहर पूरे देश भर में जारी है। ऐसे में कोई भी राज्य अब इससे अछूता नहीं है। ऐसे में सभी राज्यों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसी बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने लॉकडाउन के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे परिवार समेत शहर को भी कोरोना के जोखिम में डाल दिया। बीते दिनों कुमार स्वामी ने अपने बेटे की शादी की। इस शादी में 200 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। लॉकडाउन के ऐसे समय में जहां सरकार ने 20 से ज्यादा लोगों के होने पर पाबंदी है, ऐसे में 200 लोगों को शादी में बुलाने के साथ ही लॉकडाउन के किसी नियम का पालन ना करने से कुमार स्वामी अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर वैसे तो कई कानूनी कार्रवाई का चलन है, लेकिन पूर्व सीएम कुमार स्वामी पर अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। इस शादी में ना तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, ना ही किसी ने मास्क लगाया, जबकि सरकार ने पहले ही देश में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि कुमार स्वामी ने दावा किया है कि हमने शादी के लिए राज्य सरकार से इजाजत ली है और परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में ही शादी को संपन्न कराया, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया था और शादी स्थल में मीडिया के जाने पर पाबंदी थी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.